ने घर वालों के सामने कबूला अपना गुनाह, सावी ने दिया बेटी को जन्म। गूंजी सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। नित्यम के परिवार में खुशियां, बात हो रही है कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सावी की सवारी की, जहां के आने वाले एपिसोड में आप कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले हैं। पर दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहां पर फाइनली घर वालों के सामने सोनम अपना गुनाह कबूल करती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सोनम ये कबूल करती है कि उसने ही सावी पर जानलेवा हमला कराया था। जहां पर नित्यम गुस्से में कहता है कि अगर सावी और उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सावी की बहन हो, इस घर की बड़ी बहू हो और रक्षम की वाइफ हो। दूसरी तरफ आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर सावी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर खुशखबरी देती है और कहती है कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। जहाँ पर सारे घर वाले काफी खुश हो जाते हैं, वही नित्यम का भी चेहरा खिल उठता है और यहाँ पर वो अपनी नन्ही से परी को गोद में लेता हुआ नजर आता है। वहीं सावी भी बहुत खुश होती है। मैं आपको बता दें दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर भगवान ने बचा लिया सावी और उसके बच्चे की जान, वरना सावी को कुछ भी हो सकता था। फाइनली यहाँ पर सावी और नित्यम पेरेंट्स बन चुके हैं और सावी ने दे दिया है नन्ही सी परी को जान। इसी के साथ साथ डालमिया परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आई है। वहीं यहाँ पर सारे लोग बच्चे को अपने गोद में उठाते नजर आते हैं और उस पर प्यार लुटाते हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से सोनम जो है उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और अब यहाँ पर फूट फूट कर रोती हुई नजर आती है सोनम। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नित्यम और सावी से माफी मांगती है, जहाँ पर सावी का दिल इतना बड़ा है कि वो माफ कर देती है। और उसके बाद जो है सोनम मासी बनकर फूले नहीं समाती और नन्ही सी परी को गोद में लेते हुए नजर आती है। अब आने वाले एपिसोड में बेटी के आने की खुशी में डालमिया परिवार में बड़ा जश्न होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं सीरियल सावी की सवारी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।